नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में आज पूरे दिन भर भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। बता दें, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रविवार से ही कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं सोमवार को भी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिली। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम केंद्र ने पलामू प्रमंडल में रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश से बचने की सलाह दी है। इस दौरान तापमान में भी कोई बदलाव न होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल में बने डीप डिप्रेशन का असर सोमवार को भी देखने को मिला। सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश होती रही। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती रही। सोमवार को रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पलामू, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा में रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी दी थी। वहीं मौसम केंद्र ने चतरा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई है। बता दें, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद में मंगलवार को भारी बारिश होगी। मौसम केंद्र ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। झारखंड में लगातार बारिश से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। झारखंड के विभिन्न जिलों में दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा बर्बादी लातेहार, गढ़वा और पलामू में देखी गई। कई जगह नदियों और झरनों में उफान है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बारिश का पानी भर गया है। कई जगह पुल भी ध्वस्त हो गए हैं। पुल के ऊपर पानी चढ़ने से आवागमन भी घंटों ठप रहा। नदियों के किनारे स्थित धान की फसल डूब गई है। पलामू के प्रखंड मुख्यालय कस्बा पांडू में बांकी नदी का पानी घुस गया है। बता दें, गढ़वा के सरस्वती और दानरो नदी में आई बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। जिले के चीनिया, सिकसीगा, कलाश सड़क पर कलवर्ट बहने से मार्ग बाधित हो गया है। इधर धनबाद, झरिया और गिरिडीह में भू धंसन की सूचना है। बारिश के कारण बोकारो के तेनुघाट डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। सरना धर्म कोड पर बोले पीएम मोदी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरना धर्म कोड पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। झामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि करम पर प्रधानमंत्री झारखंड में थे, लेकिन उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा सदन से पारित सरना धर्म कोड पर एक शब्द नहीं कहा। जबकि करम पर्व मूल रूप से सरना धर्मावलंबी का पर्व है, जिसमें झारखंड के सभी समुदाय के लोग शामिल होकर खुशी मनाते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की अगुवाई में केंद्र सरकार एनडीए के घटक दलों की बैसाखी पर खड़ी है। इसमें शामिल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई पार्टी की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से जातीय जनगणना की वकालत की गई। दूसरी ओर भाजपा ने जो हलफनामा केंद्र सरकार के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में दिया है, उसमें धर्म विशेष को टारगेट किया गया है। सुप्रियो ने कहा है कि पीएम मोदी का राजनीति से पहले जमशेदपुर में सरकारी कार्यक्रम था। खराब मौसम के कारण इसे रांची से ऑनलाइन संपन्न किया गया। पीएम मोदी के कारण 9 घंटे ब्लॉक रहा नेशनल हाईवे जेएमएम। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को सुझाव दिया है कि सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाने से परहेज करे। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की चुनावी सभा के लिए 130 किलोमीटर सड़क से गए। इसकी वजह से झारखंड की लाइफलाइन NH-33 9 घंटे तक ब्लॉक रहा। उन्होंने तंज कसा है कि सत्ता के लिए एक कुछ भी कर सकते हैं, घर से लेकर पार्टी विधायक तक तोड़ सकते हैं। इसमें सफल नहीं होंगे तो जेल भेजेंगे, झूठ केस डालेंगे। उन्होंने कहा है कि सभा जमशेदपुर के बजाय बहरागोड़ा में होती तो प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते थे। उनके आने जाने पर सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति लाभ के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ को 9 घंटे तक रोक देना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि काफिले की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना गलत है। प्रधानमंत्री ने करम की बधाई दी, लेकिन सरना धर्म कोड को लेकर कुछ नहीं कहा। भाजपा को इस परिस्थिति स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड में भाजपा का नारा, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर नारा गढ़ा है। वर्ष 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी तो नारा दिया था बदल के रहिबो। बता दें, झारखंड में पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले नारा दिया है, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा मुख्यालय में सोमवार को प्रेस को संबोधित किया।
प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा है कि हेमंत सरकार की वादा खिलाफी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ प्रदेश भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। बता दे उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक झारखंड भाजपा अपने सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। जमशेदपुर और 116 विस्थापित गांवों पर बाढ़ का खतरा। जमशेदपुर पर अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले डैम के 13 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का गेट खोले जाने की वजह से दर्जनों विस्थापित गांव जलमग्न हो गए हैं। अगर और फाटक खोलने की नौबत आई तो जमशेदपुर के मानगो और दोमुहानी इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। अभी बांध का जलस्तर 182 मीटर पर पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगर चांडिल डैम का जलस्तर 184 मीटर हो गया तो 116 गांव खतरे में आ जाएंगे। ये सभी गांव बाढ़ की जद में आ जाएंगे। अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज में परिवर्तन यात्रा में भरेंगे हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज से झारखंड बीजेपी की चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साहेबगंज जिले के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। वे साहेबगंज जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर मंगलवार से पंडाल निर्माण शुरू हो जाएगा। घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और जोरदार प्रचार प्रसार किया जाएगा। कांग्रेस का मैया सम्मेलन 22 सितंबर को बंद हो तिरकी। राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से झारखंड में कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उससे जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं के भागीदारी होगी। लगातार बारिश से जल जमाव, रांची नगर निगम जारी किया नंबर। झारखंड की राजधानी रांची में हो रही लगातार बारिश से नगर निगम के कुछ क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर आयुक्त संदीप सिंह को वार्ड 33 पंडरा रोड और पंचशील नगर में जल जमाव की जानकारी दी गई। उन्होंने सोमवार को पंचशील नगर में जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया और निगम के अभियंताओं को भविष्य में इस क्षेत्र में जल जमाव नहीं हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से कहा है कि जल जमाव होने पर टोल फ्री नंबर 1800-5701-235 पर शिकायत दर्ज कराए। बता दें रांची के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने शांति नगर एवं पंचशील नगर की कनेक्टिविटी नालियों को साफ करते हुए पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया है। JSSC में स्टेनोग्राफर के लिए 455 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कई विभागों में स्टेनोग्राफर के पद के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है और आप 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें JSSC स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए लोगों को ₹100 की राशि का भुगतान करना होगा। वहीं SC और ST वर्ग के लोगों को ₹50 का आवेदन शुल्क देना होगा। झारखंड के डॉक्टर संजय सिंह हिंदी काव्य रत्न मानस उपाधि से सम्मानित। दिल्ली सरकार में प्रवक्ता हिंदी पद पर कार्यरत शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर संजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मंच नेपाल द्वारा हिंदी काव्य रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह मूल रूप से हजारीबाग चौपारण सेलहारा के रहने वाले हैं। इस सम्मान के लिए इनका चयन शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के अध्यक्ष अनंत गिरी मयालू द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया जिसमें भारत, नेपाल, मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से लगभग 6742 साहित्यकार शामिल हुए। JSSC CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता रांची समेत अन्य जिलों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। JSSC 17 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा जो आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज भेजकर परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि के साथ प्रवेश पत्र कब और कैसे मिलेगा इस संबंध में सूचना पहले ही जारी कर दी है। इस परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा आयोजित होनी थी, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बीजेपी परिवर्तन यात्रा में गिनाएंगे सरकार के 5 साल का हिसाब। झारखंड बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के जरिए हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। यह यात्रा बेटी रोटी और माटी की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और झारखंड में परिवर्तन लाने का संकल्प है। परिवर्तन यात्रा 6 सांगठनिक प्रमंडलों में होगी जो सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर भाजपा अपने सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। मरांडी ने कहा है कि यह यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरते हुए 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में 80 स्वागत कार्यक्रम, 65 सार्वजनिक रैलियाँ होंगी जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश से 50 से अधिक प्रमुख नेता शामिल होंगे। राज्य की युवा शक्ति, महिला शक्ति राज्य में परिवर्तन के लिए संकल्पित है। साहेबगंज में 16-17 को हड़ताल व 18 को ओपीडी बहिष्कार करेंगे डॉक्टर। आदिम जनजाति 6 वर्षीय बच्ची गोमदी पहाड़िन की हुई मौत में डॉक्टर्स पर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में साहेबगंज सदर अस्पताल सहित सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने सोमवार को कल्ला बिल्ला लगाकर कार्य किया। इसमें सदर अस्पताल, MCH व अटल क्लिनिक के भी चिकित्सक शामिल रहे। बता दें रविवार को IMA व झांसा की संयुक्त बैठक हुई थी। बैठक में मृत बच्ची गोमदी पहाड़िन के पूरे प्रकरण की जानकारी लेते हुए चिकित्सकों से कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक में डॉक्टरों पर प्रशासनिक कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा गया था कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सकों पर दर्ज FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, इस निर्णय को प्रशासन वापस ले। उपाधीक्षक व सिविल सर्जन के रहते सदर अस्पताल में नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करना न्याय संगत नहीं है। अगर जिला प्रशासन नोडल पदाधिकारी रखना चाहती है तो अप्रिय घटना के लिए भी नोडल पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। लातेहार से PLFI के 3 सदस्य गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने PLFI उग्रवादी संगठन के 3 सदस्यों को हेरहंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में SDPO आशुतोष सत्यम ने बताया है कि पिछले दिनों एक संवेदक को लेवी नहीं देने पर PLFI के राकेश जी द्वारा जान से मारने संबंधी धमकी दी जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसको कांड दर्ज करते हुए उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित किया गया था। इसके बाद कार्य योजना के तहत संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान बीते कल 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। गिरफ्तार सदस्यों में राम विजय लोहरा, रुपेश कुमार राम और धर्मेंद्र लोहरा का नाम शामिल है। चतरा पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को दबोचा। चतरा के हंटरगंज पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 6 कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं पिट्ठू जब्त किया गया है। मामले में SP ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ मोटरसाइकिल सवार लड़के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से डोभी की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना पर SDPO संदीप कुमार सुमन और थाना प्रभारी हंटरगंज द्वारा नागर सौहाद मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में त्वरित कार्रवाई की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार लड़के पुलिस को देखते हुए भागने लगे, तब पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा। गिरफ्तार अपराधियों में 3 गया जिले के गेरुआ थाना के और 1 हंटरगंज प्रखंड का रहने वाला है। पलामू में 5 युवक बाढ़ के पानी में 9 घंटे फंसे। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के औरंगा नदी में तेज उफान और धार के कारण 5 युवक करीब 9 घंटे तक पानी में फंसे रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम ने ड्रोन के माध्यम से 5ों युवकों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश असफल हुई। अंत में गाँव के ही एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में कूद कर रेस्क्यू किया और 5ों युवक की जान बचाई है। आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण औरंगा नदी में तेज उफान और धार के कारण 5 युवक पानी में घंटे फंसे रहे। पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने 5ों युवकों को बचाने के लिए ड्रोन की मदद से रस्सी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन 5ों युवक की मदद करने में नाकाम रही। इसके बाद उसी क्षेत्र में अमृत नामक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में कूद कर रेस्क्यू किया और 5ों युवक की जान बचाई है। गोड्डा से देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा के मुफसिल थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। पहली वारदात कझिया नदी पुल के समीप छुरिया बाबा मंदिर के पास की है। SDPO JPS चौधरी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि सफ़ेद टी शर्ट पहने
गले में गमछा लपेटे एक युवक देसी कट्टा लेकर छुरिया बाबा मंदिर के पास घूम रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिया के आधार पर युवक को पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक शक्ति सिंह ककना गांव नवी स्वर्गीय जयकांत सिंह का पुत्र है। तलाशी में उसकी कमर से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद कर लिया है। भारी बारिश में बाल्टी और टप लगाकर पानी छान रहे रामगढ़ सिपाही। साइक्लोन की वजह से पिछले 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। हर तरफ लोग परेशान हैं, आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से रामगढ़ थाना और बैरक की छतों से पानी रिसने लगा है। कोई सिपाही बाल्टी और टप लगाकर अपने सामान को भीगने से बचा रहा है तो कोई सिपाही अपना चारपाई हटाकर उसे बचा रहा है। बैरक में रह रहे सिपाहियों के हालात ऐसी है कि वह कहां सोएंगे और कहां बैठेंगे कह पाना मुश्किल है। बता दें रामगढ़ एसपी अजय कुमार को जैसे ही इसकी सूचना मिली सोमवार की शाम वे खुद थाना पहुंचे। थाना परिसर में उन्होंने जो हालात देखा उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने तत्काल डीसी चंदन कुमार को फोन किया और थाना भवन की मरम्मत करने की गुहार लगाई है। झारखंड के स्कूलों में बच्चों के बनेंगे नए आधार कार्ड। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है उसका अपग्रेड भी किया जाएगा। बता दें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार रजिस्ट्रेशन होगा। 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्टर्ड कर बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 से 7 वर्ष के लिए और 15 से 17 वर्ष के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बन चुका है उनका आधार में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। इसमें बच्चों की आँखों के साथ साथ उंगलियों की बायोमेट्रिक ली जाएगी और आधार में उसे अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्कूलों में आयोजित होने वाले कैंप से 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दी जाएगी। लातेहार में बाइक सवार पर गिरा पेड़, 2 गंभीर घायल। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में कुजरी गांव के पास बारिश के दौरान अचानक पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल व्यक्ति को CHC भेजा गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से लातेहार जिलावासियों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। NH में भी परिचालन करने वाले सुरक्षित नहीं रहे हैं। खराब मौसम से विमान सेवाएं प्रभावित। झारखंड में खराब मौसम का असर रांची से विभिन्न महानगरों की विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। कई विमान 1.5 से 2 घंटे विलम्ब से उड़े हैं। विमान के विलंब से उड़ान भरने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। खराब मौसम के कारण उड़ान में विलंब होने के कारण इंडिगो एयरलाइंस अधिकारियों ने विलंब के कारण यात्रियों से खेद भी व्यक्त किया है। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो का दिल्ली से आने वाला विमान 1.5 घंटे विलंब से दोपहर 2:30 बजे रांची आया। वहीं यह विमान 1.5 घंटा विलंब शाम 5:25 पर दिल्ली के लिए उड़ा। इंडिगो का मुंबई से आने वाला विमान 1.5 घंटा विलंब से उड़ा है। यह विमान शाम 4:30 बजे के बजाय शाम 5:35 पर मुंबई के लिए उड़ान भरी है। हेमंत सरकार में महिलाएं खतरे में, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि झारखंड भाजपा संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी थे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस सरकार में महिलाएं असुरक्षित, विवश और खतरे में हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की पर भत्ता की जगह सिर्फ बेरोजगारी दी है। आधी आबादी को इन 5 सालों में सरकार ने सिर्फ ठगने का कार्य किया है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि सामने चुनावी रूपी युद्ध का मैदान है। हमारी महिला बहनें वीरांगनाएं हैं, मिलकर युद्ध लड़ेंगी और जीतेंगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि सरना धर्म कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए या नहीं। हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।